नगर परिषद हमीरपुर की मासिक बैठक मंगलवार देर शाम आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी ने की। इस मौके पर उपाध्यक्ष दीप कुमार बजाज, कार्यकारी अधिकारी विनोद ठाकुर सहित कई पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगर परिषद ने भवन निर्माण के 5 नक्शे पास किए, वहीं 3 लोगों को नक्शे के लिए एक्सटेंशन भी दी गई। बैठक के दौरान शहर में बनने वाले फोटोग्राफर यूनियन को NOC प्रदान की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में हाउस टैक्स के लिए 15 अक्टूबर से सर्वे शुरू किया जाएगा। 31 मार्च से पहले हाउस टैक्स जमा करवाने वाले परिवारों को 10% तक की छूट भी टैक्स में दी जाएगी। वहीं एक सप्ताह के भीतर ही एक छोटा डंपर वाहन भी खरीदा जाएगा। इसके बाद नगर परिषद के पास डंपर वाहनों की संख्या 4 हो जाएगी। ये इसलिए किया गया है कि शहर में सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। मैं 5 मैप जो है वो पास किए गए, 3 लोगों को एक्सटेंशन दी गई और 2 कंपाउंड केस जो है वो बहाल किए गए। और 2017-18 का हाउस सेक्स का जो सर्वे है वो जारी हो जाएगा, जिसमें हमें 2 महीने लगते हैं। और इस वर्ष भी पूर्व वर्षों की भांति जो कितनी मरत से पहले टैक्स देगा उसको 10% की जो है वो रियायत जो है दी मिलेगी। तो एक NOC के लिए आया था फोटोग्राफर एसोसिएशन का, उनको भी NOC जो है वो अलॉट कर दी। एक 2 शॉप्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका किराया बिल्कुल मूल्य है 150 और 200 के बीच में, लेकिन वो उस किराए को भी दे नहीं पाते हैं, तो उनका किसी दूसरे का नाम पूरे कागजात पर हम करने को नगर परिषद तैयार है और उसका किराया भी जो है वो किराया भी हम बढ़ाएंगे। IRTP की जो बात है वो सरकार की तरफ से इसका कानून है कि उस परिवार की हम 36,000 रुपये साल की चाहिए, वो आदमी IRTP में BPL में ही अंतोदय में आते हैं। इसका मतलब यह है कि उसको 100 रुपये रोज की आमदनी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमारे शहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसकी आमदनी सिर्फ 100 रुपये और शहर में रहता हो। तो ये हमारे पास 200-250 केस है, इसलिए नगर परिषद में हाउस में बात रखी गई कि इनकी थोड़ी इंक्वायरी की जाए और जो इसके पात्र हों उनको रखा जाए। बाकी लोगों के पास 2-2 मंजिल बिल्डिंग है, कारें हैं, AC लगे हुए हैं, कुछ लोग तो घर में सर्विस भी कर रहे हैं, ये सरासरी बेईमानी है। अगर इसे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक इंक्वायरी की जाए, तो ये लोग इसमें नहीं आएंगे। हो सकता है कि 1-2-3 लोग आए, अगर इसको ठीक तरीके करें तो इसका और जगह पर इन पैसों का फायदा हो सकता है और कुछ लोगों को फायदा मिल सकता है। तो इसलिए बात रखी गई, अब मेंबर जो है वो इसका सर्वे करेंगे और मेरे पश्चिम में बताएंगे। 1-2 केस शायद किसी ने बताया कि वो 18,000 में नौकरी कर रहा है उसकी फैमिली के मेंबर, तो वो हमने काटने के लिए हाउस में पास भी कर दिया कि नाम काट दिया जाए। DD जो है वो ठेकेदार के माध्यम से हमारे नगर परिषद में हुई है, जिसका कि 7 साल उन्होंने इसकी रिपेयर वगैरह भी उन्होंने करनी है। कुछ दिन उन्होंने 2 लाइन में लगा रखे थे, उसके बाद वो लाइन में काम नहीं कर रहे हैं, कोई कभी गंदान लाइन में आ रहा है, मतलब वो ठीक कार्रवाई वो रिपेयर जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इन साहब को बोला गया कि इनको लेट ले और कार्रवाई करो उन पर, क्योंकि 7 वर्ष से उन्होंने ये करने के बाद कही है जो नहीं हो रही है, कुछ लाइन उन्होंने चेंज किए हैं लेकिन वो जग नहीं रही है, तो वो भी उनका काम है जिसको हमें जगा के दें। इसके बारे में कुछ कार्रवाई जो वो कर रहे हैं कंपनी है शिमला से है ना, तो केस क्या है सर, मैं नक्शा बना लिया है, उनको छूट मिली है कि उनका कंपाउंड केस के अंतर्गत पास कर दिया जाए। तो उसमें जो उस नक्शे में अगर 10% तक वो गलती है तो उसको नगर परिषद भी पास कर सकती है, उसको जुर्माना पड़ेगा, कुछ इसके रेट्स होते हैं। और 10% से ज़्यादा गलत है तो उसको हम शिमला भेजते हैं, वो शिमला से पास होगा। 10% से ऊपर जो गलत है वो शिमला से पास होगा, 10% से जो है वो नगर परिषद पास करती है। इस लिहाज से 2 नक्शे जो है वो पास कर दिए।